इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम मौजू के साथ अहम खबरों पर भी एक नज़र। माशरा तभी साफ सुथरा रहता है जब माशरे के अफराद सही हों। माशरे को बेहतर बनाने की सभी की जिम्मेदारी है। खासकर माशरे में बेहयाई और फैश कामों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह अलग मामला है। पर अक्सर यह देखा जाता है कि अपने घर के बच्चों को छोड़कर सभी बच्चों की बुराइयां अक्सर वालिदैन को नजर आती रहती है। खासकर अगर मुस्लिम माशरे की बात कही जाए तो जिस रफ्तार से तलाक के वाकियात में इजाफा होता जा रहा है, माशरा आखिर किस सिमत में जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। बच्चे स्कूल कॉलेजेस को जाते हैं तो वालिदैन समझते हैं कि बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पर सहेली या दोस्तों की सोबत में बच्चे गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं जिसमें अहम किरदार मोबाइल का होता है। बेवजह बच्चों को बड़े स्मार्टफोन वालिदैन किस लिए देते हैं समझ में नहीं आता। आखिर जाहिर है इंटरनेट पर अच्छाइयां और दीनी मजमून देखने की बजाय फहश फिल्मों को देखने का रुझान ज्यादा है। असल में वालिदैन को कुछ बातों में खुलकर बोलने की जरूरत होती है, पर अक्सर नहीं बोला जाता। कुछ लोगों ने तो इल्म एजुकेशन की आड़ में बेटियों को बाजारों की जीनत बना दिया है। यकीनन इल्म हासिल करने के लिए किसी को एतराज नहीं करना चाहिए, इस्लाम भी यही हुक्म देता है। पर क्या कभी हमने बेटियों का एहतसाब लिया है कि बेवजह की महफिलों पर कभी हमने उनसे सवाल किए हैं? देर रात तक लड़कियां किन सहेलियों के घर में अपना वक्त गुजार रही है? बच्चों की ज़हनियत का अंदाज़ा लेना है तो इनके नोटबुक के आखिरी पेजेस को देखें, आखिरी पन्नों पर देखें कि क्या लिखा हुआ है। इनकी सोच और फिक्र का अंदाज़ा होता है। अगर इन्हें मोबाइल दिए हैं तो इनके दोस्त इनके व्हाट्सएप के मैसेजेस को देखें। घरों में तो आजकल औरतें खवातीन घर का काम कम और सोशल मीडिया पर ज़्यादा मसरूफ रहती है। मर्दों को चाहिए कि घंटों कौन सी पुरानी सहेली से बातें हो रही हैं। कहने का मतलब, मर्द और औरत दोनों गुनाहों में मुलव्विस होने की तस्वीर आज देखी जा रही है। इससे पहले हमने कभी इस तरह की तस्वीर नहीं देखा। गुनाह वक्ती तौर पर छिप जाता है पर हमेशा के लिए नहीं। कभी कभी कॉलेजेस की दोस्ती शादी के बाद भी चोरी छिपे जारी रहती है, लिहाजा इसकी कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है। गुनाह में लज्जत और जिल्लत दोनों है। लज्जत वक्ती होती है और जिल्लत दुनिया और आखिरत की होती है। खैर, आजकल लोगों को आखिरत पर भरोसा कुछ कम होता नजर आ रहा है, तभी तो खौफ खुदा का एहसास नहीं रहता जिसका मरकज ही मोबाइल है। देर रात तक चैटिंग के नतीजे भी घर टूटने का जरिया बन जाते हैं। अब तो उम्र रसीदा खवातीन और मर्द भी गुनाहों में मुलव्विस नजर आ रहे हैं। जाहिर है इसका असर बच्चों पर पड़ता है। जब गुनाह का एहसास वालिदैन को ही नहीं है तो बच्चे भी इसी राह पर चलने में झिझक महसूस नहीं करते। कुल मिलाकर माशरा गुनाहों में डूबता नजर आ रहा है। मुस्लिम माशरे के बहुत सारे मसाइल है, पर नौजवान लड़का लड़कियों का फहश कामों में मुलव्विस होने की वारदातों में इजाफा होता जा रहा है। अपने आप को दीनदार समझने वाले भी अपने बच्चों पर नजर रखने से कासिर है। दीन की दावत तो दूसरों को देता रहता है पर बेटा बेटी को काबू में नहीं रख पाता, यही सच्चाई है। दरअसल माशरे की बुराइयों पर मस्जिदों में जिक्र होना चाहिए था, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम हालात हाजरा पर जिक्र करना ही मुनासिब नहीं समझते। हम कुछ कहना चाहते हैं तो लोग इस पर एतराज भी करते हैं। हमने इत्तेहाद न्यूज के जरिए माशरे के मुख्तलिफ मसाइल पर रोशनी डालने की कोशिश की, पर लोग एतराज भी करते हैं। क्या तुम दीनी रहनुमाओं मौलानाओं पर तंज करते हो? तुम क्या आलिम हो? हमारा कहने का मतलब यह है कि हम मौलाना जरूर नहीं है पर माशरे की बुराइयां नजदीक से तो देखते रहते हैं, जिसमें बेहयाई अहम है। कहते हैं बेटी माँ बहन पूरे माशरे को नेक बना सकती है। वाकिया बहुत सुने, हदीसे भी सुन लिए। अल्लाह का वली माँ की पेट से तब बनता है जब इसकी माँ बावजू बच्चे को दूध पिलाती है, तब जाकर माशरे में टीपू सुल्तान अल्लामा इकबाल पैदा होते हैं। आज माओं को टीवी सीरियल मोबाइल गेम फिल्मों यूट्यूब से फुर्सत ही नहीं, कहां से अल्लाह के वली पैदा होंगे? कहां से बेटा बेटियों को सही तरबियत देंगे? जाहिर है आज रात को देर तक कट्टा कमेटियों की महफिलें इसी का नतीजा है। हमारे बच्चों की सुबह दिन में 11 बजे और रात 3 बजे खत्म होती है। रहते सूरज चांद तक टीपू सुल्तान का नाम दुनिया में रहेगा, अब क्या खाक टीपू पैदा होंगे जो सिवाय जुमे की नमाज के नमाजी नहीं पढ़ते? बेटियों का मामला भी कुछ अलग नहीं है। आपको हर गली में तलाकशुदा जवान बेटियां मिलेंगी, कौन जिम्मेदार है? हम किसी की बुराइयों को उछालना हमारा मकसद नहीं है, पर यह सच्चाई है। कई जमात के जिम्मेदार
तलाक की वारदातों से बेजार हुए, वैसे भी मोहल्ले की जमातों में पहले वाला दम नहीं रहा। कहना नहीं चाहिए पर कहना जरूरी है कि जमात मोहल्ले में सिर्फ मैयत शादी मंगनी में ही नजर आती है। अगर कोई मोहल्ले में डीजे लगाता है तो पूछने की हिम्मत नहीं होती। जमात इतनी मजबूत होनी चाहिए कि पुलिस भी कदम रखने से पहले जमात के जिम्मेदारों की इजाजत ले, पर आजकल जमात के जिम्मेदारों को ही पुलिस वाले कब ले जाते हैं पता ही नहीं चलता। खैर, माशरे को बेहतर बनाना है तो हमारे बच्चों को सही तरबियत और सही तालीम जरूरी है, वरना तलाक बेहयाई फैज के नौसत में हर घर मुलविस होगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अहम खबरों पर एक नजर। एक बार फिर बेलगाम को लेकर कर्नाटक महाराष्ट्र सरहदी मसले को सियासी रंग चढ़ता जा रहा है। बेलगाम में मराठी लोगों की तादाद काफी है, वैसे भी कॉर्पोरेशन चुनाव भी नजदीक है, लोकसभा बेलगाम की सरगर्मियां भी जारी है। भाजपा कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी जल्द जाहिर करने वाले, वही दूसरी ओर बेलगाम कॉर्पोरेशन के सामने जो कन्नड़ परचम को लेकर मराठी आवाम का एतराज है, ये भी बात अहमियत रखती है कि इससे पहले पुराने कॉर्पोरेशन पर भगवा परचम यानी कि मराठियों का परचम लहराया जाता था। कॉर्पोरेशन में मराठी उम्मीदवारों का तसल्लुत ज्यादा था तो कॉर्पोरेशन ऐवान में मुत्तहिदा मंजूरी परचम को दी गई थी। वैसे भी मेयर डिप्टी मेयर एमईएस के ही हुआ करते थे और तब से बेलगाम कॉर्पोरेशन पर भगवा परचम लहराया जाता था। मराठी लोगों में तकसीम हुई और नई नस्ल भाजपा के हिंदुत्ववादी सोच और फिक्र की तरफ माइल हुई। जाहिर है कॉर्पोरेशन में एमईएस का दबाव भी कम होता चला गया। कॉर्पोरेशन दफ्तर को सुभाष नगर की नई इमारत में मुंतकिल किया गया तो यहां सिर्फ तिरंगा परचम लहराया गया। पर 28 दिसंबर को कन्नड़ रक्षण वेदी के और दिगर कन्नड़ कारकुनान की जानिब से कन्नड़ परचम लहराया गया। कन्नड़ तंजीम के अफराद देर रात तक उसी परचम की जगह पर बैठे रहे। बेलगाम के मराठी आवाम और खासकर एमईएस को ये परचम लहराना नागवार गुजरा और उन्होंने डीसी बेलगाम और पुलिस कमिश्नर से मुतालबा पेश किया कि परचम जानबूझकर लगाया गया, लिहाजा इसे फौरी तौर पर उतारा जाए। पुलिस के लिए या इंतजामिया के लिए परचम उतारना काफी मुश्किल हो गया। कन्नड़ तंजीमों का कहना है कि कर्नाटक में कन्नड़ परचम लहराने के लिए किसी कानून की किसी हुक्म की जरूरत नहीं है। वही मराठी लोगों का कहना है कि अरसे से कॉर्पोरेशन पर मराठियों का भगवा परचम लहराया जाता रहा और नई इमारत पर जानबूझकर भगवा परचम लहराया नहीं गया। कन्नड़ परचम लहराना गैर कानूनी, लिहाजा इसी बात पर बतौर एहतजाज 21 तारीख यानी कि कल महामोर्चा के जरिए भगवा परचम लहराने का ऐलान किया गया। एमईएस का कहना है कि भारत जमहूरी मुल्क है और सभी को बोलने की अपनी मांग रखने की एहतजाज की आजादी आईने हिंद देता है, लिहाजा हमारी मांग है कि मराठी परचम को लहराया जाए। और कसीर तादाद में मराठी आवाम को जमा होकर जिस तरह कन्नड़ परचम लहराया गया उसी जगह पर मराठी परचम भी लहराया जाएगा। बेलगाम इंतजामिया भी इस मामले को कैसे सुलझाती है इस पर सभी की तवज्जो है। क्या मामला बातचीत से सुलझाया जाएगा, परचम लगाया जाएगा या फिर पुलिस बल का इस्तेमाल किया जाएगा, ये तो वक्त ही बता देगा। लगता है आने वाले दिनों में बेलगाम शहर ही कर्नाटक महाराष्ट्र की सियासत का मरकज बन जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने बेलगाम को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि बेलगाम के मराठी आवाम के दर्द को हम महसूस करते हैं और इस पर जल्द कदम उठाए जाएंगे। लिहाजा कर्नाटक रियासत के वजीर दाखला बसवराज बोम्मई ने पलटवार करते हुए कहा कि बेलगाम तो वैसे भी कर्नाटक का ही हिस्सा है पर सांगली और सोलापुर में अक्सरियत कन्नड़ लोग रहते हैं और हम सांगली सोलापुर को कर्नाटक में शामिल कर लेंगे। कन्नड़ तंजीमों ने भी उद्धव ठाकरे के बयान की मजम्मत करते हुए एहतजाज जारी किया हुआ है। मामला तो दिन ब दिन संजीदा बनता जा रहा है, क्या वाकई फिर से मराठी कन्नड़ तनाजा शिद्दत इख्तियार कर लेगा, ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। स्कूल कॉलेजेस तो शुरू हुए पर शुरू होते ही बच्चों की जानिब से स्कूल इंतजामिया फीस का तकाजा लगा रहे हैं। कुछ स्कूलों में फीस को और बढ़ाकर वसूल किया जा रहा है जिससे वालिदैन को काफी परेशानी हो रही है पर बच्चों पर ज्यादती की जा रही है। लिहाजा डीसी बेलगाम को मुख्तलिफ तलबाओं की तंजीम की जानिब से मुतालबा पेश करते हुए कहा कि जबरदस्ती फीस वसूल करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई का मुतालबा पेश किया गया। कोरोना के मद्देनजर तिजारती कारोबार फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से हजारों की फीस अदा करना वालिदैन के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। अभी तक बच्चों की स्कॉलरशिप भी हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई, लिहाजा जल्द स्कॉलरशिप अदा करने की कोशिश करें और फीस के तकाजे को बंद करने की हिदायत हुकूमत स्कूलों को दे ताकि अरसे बाद बच्चे स्कूल को तो जा रहे हैं
पर फीस का तकाजा इन पर जहनी दबाव बना रहा है, लिहाजा बच्चों को ठीक से पढ़ाए तो सही, ऐसा मशवरा अवाम की जानिब से दिया जा रहा है। जायदाद का तनाजा आखिर खून खराबे में तब्दील हो गया। जायदाद के लिए महज 4 साल के बच्चे का कत्ल करने की वारदात सौंदती तालुका में हरुगप देहात में अमल में आई है। 4 साल के बच्चे का नाम मारुति संकन्नावर है और कातिल का नाम इरन्ना संकन्नावर है। महज जायदाद के लिए मासूम का कत्ल करने की वारदात से गांव में सन्नाटा फैला हुआ है और गांव वालों ने सख्त सजा का मुतालबा किया हुआ है। मुरगोड़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।